आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। ये मिर्जापुर की पावन वसुंधरा, जैसा कि आप लोग साथियों देख रहे हैं, वहाँ से मैं चलकर आ रहा हूँ और धीरे धीरे मैं ऊंचाइयों पर चढ़ता जा रहा हूँ और चढ़ने में बड़ी मेहनत बड़ी परिश्रम है। आइए अभी चढ़ना बाकी है, हमारे छायाकार महोदय जी से निवेदन है कि इधर दिखाइए। आइए बने रहिए वीडियो में आप लोग। हम लोग साथियों नीचे से चढ़कर ऊपर पे आ गए हैं। इधर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और इधर में गैया और पशु पक्षियों का बड़ा चिचिलाहट है। और ये गैया हमारी गाय गौ माता यहाँ पर खड़ी है, ये देखिए अपने बच्चे के साथ में खड़ी है, दूध पिला रही है गौ माता, इनके चरणों में नमन है। जय हो गौ माता। साथियों अब इधर मंदिर की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं, आप लोग को अवलोकन कराते हैं। एक महाराज जी हमारे पास में बैठे हैं, इनका भी कुछ इंट्रोजेक्शन हम लोग लेंगे। आइए बने रहिए वीडियो में कंटिन्यू। जैसा कि आप लोग साथियों हमारे साथ वीडियो में बने हैं, हम आ गए हैं भगवान भोलेनाथ के दरबार में और हमारे साथ एक महात्मा पुरुष हमारे गुरु स्वरूप हमारे गुरु जी के चरणों में समर्पित हैं और इनसे कुछ हम जानना चाहते हैं महाराज जी से। आइए हम महाराज जी से जानना चाहते हैं कि इस मंदिर का कब निर्माण हुआ और कब से यहाँ पर महाराज जी भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित इनका पूजा पाठ कर रहे हैं, बताइए महाराज जी। इस मंदिर का निर्माण पुराने जमाने से एक छोटी मंदिर थी बालनाथ बाबा के नाम से। अच्छा अच्छा। उसके बाद पूरे क्षेत्र के लोग मिल करके सार्वजनिक मंदिर का विकास कराए चंदा लगा करके। अच्छा अच्छा। हाँ, सार्वजनिक विकास चंदा लगा कर सब लोग मिल कर कराए। इसी के नाम पर स्वामी गोविंदा आश्रम इंटर कॉलेज पैड़ापुर मिर्जापुर, क्योंकि आश्रम बना नीचे जी, नीचे आश्रम था, आज के वर्तमान में भी वो आश्रम चल रहा है। वो जगत गुरु ब्राह्मण गुरु सन्यासी की आश्रम कुटिया है जी। चलिए महाराज ठीक है, आप हमारे साथ वीडियो में बने, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आपका नाम क्या है, शुभ नाम आप बताइए अपना। नाम हमारा बनाइए आप लोग, हमारे दर्शक साथियों भी आप लोग हम देखना चाहते हैं, आपका शुभ नाम क्या है महाराज। सन्यासी का नाम क्या करोगे। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी हमारे साथ वीडियो में बने। आइए अंदर का आप लोग को अवलोकन कराते हैं। हम अपना अधिक रूप दिखा ये महाराज जी है, अभी गेट द्वार प्रवेश करेंगे फोन करके। चलिए इसमें कोई किसी का रोकथाम नहीं है। नहीं आप खुलिए, सार्वजनिक है इसमें, सार्वजनिक है ठीक है, फिलहाल आप खुलिए महाराज। किसी को ना कोई रोक सकता है ना, भगवान के सब के हैं, सार्वजनिक है। जय हो। आइए इनका चलिए बढ़िया से महाराज का और भगवान भोलेनाथ का फोटो ले लीजिए आप। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ एक बड़े भाई, बहुत ही अच्छे कला, बहुत ही अच्छे यूट्यूबर, आप अपने चैनल का नाम बताइए। भाई चंदन म्यूजिक नंबर वन है चैनल का नाम जी। आप चंदन म्यूजिक के नाम पर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उनका चैनल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद भाई के साथ मिलकर चला, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई भी। आइए महाराज के साथ ऊपर चलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए आप लोग जैसा कि हमारे साथ बने हैं, महाराज जी चल रहे हैं ऊपर और आप लोग को ऊपर से कुछ दृश्य दिखाएंगे आप लोगों को, आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। ऊपर आ गए हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, महाराज जी का अवलोकन हो चुका है। हमारे छायाकार महोदय जी से निवेदन है कि बढ़िया से वीडियो बनाए। वृक्ष कभी न फल पथे नदी न पिए सरिता नीर, परमार्थ के
करी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि महाराज जी के साथ में हम लोग भगवान भोलेनाथ का दर्शन किए और बहुत अच्छे स्वरूप से महाराज अपनी बाणी को आप लोगों के सामने में रखें और आप लोग को बताएं ये बालनाथ मंदिर मिर्जापुर के वसुंधरा बालनाथ कुम्हारी कोटवा और जो है कि नमढ़िया के लगभग समक्ष नज़दीक मंदिर है। चलिए ठीक है महाराज, और कोई अगल बगल है कोई प्राचीन मंदिर है महाराज? आश्रम है नीचे इसी मंदिर का। अच्छा ठीक है, स्वामी गोविंदाश्रम इंटर कॉलेज पेड़ापुर मिर्जापुर जो कि इंटर कॉलेज स्कूल चल रही उसी आश्रम के नाम से। चलिए ठीक है महाराज, वीडियो में आप लोग बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खोद खाद धरती सहे और काट कूस बन राज कुटिल बचन साधु सहे और से सहन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने हैं, महाराज जी से आप लोग बातचीत किए, महाराज जी यहाँ की विशेषता के बारे में आप लोग को बताएं। आइए एक प्राचीन मंदिर इधर भी है, उनका भी अवलोकन कराता हूँ। पहले ये लिखा हुआ है श्री दूधनाथ बाबा, ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, इनका अवलोकन कराइए। साथ वीडियो में बने हैं, आइए इन पहाड़ियों को इन वादियों को मैं दिखाता हूँ। इधर से आप लोग बने रहिए वीडियो में, ये देखिए बढ़िया है। कोई भी ब्लॉगर कोई भी वीडियो वो भी हमारे भाई आए हैं साथ में वीडियो बनाने के लिए। और इधर भी देखिए बढ़िया बढ़िया वादियों में आप लोग घूमिए सैर करिए, बढ़िया ठंड हवा भी लग रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा दृश्य है। दोस्तों जैसा कि आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने हैं, हम इन पहाड़ियों पर बहुत ही भव्य दर्शन आप लोग को कराएं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की तीन प्राचीन मंदिर हैं, पहला मंदिर बालनाथ मंदिर, दूसरा मंदिर सालनाथ मंदिर, तीसरा मंदिर दूधनाथ मंदिर। आइए अब तीसरे मंदिर की तरफ हम लोग आ गए हैं, ये है बाबा सालनाथ की मंदिर, उनका अवलोकन आप लोग करिए और दर्शन करिए। हमारे छायाकार महोदय जी बहुत अच्छी विधि पूर्वक दिखा रहे हैं, आप लोग इनका अवलोकन करिए दर्शन करिए और आप लोग भी आकर के बालनाथ मंदिर पर देवी देवताओं का दर्शन करिए। और आप लोग हमारे साथ YouTube चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को अमन ब्लॉग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऐसी वीडियो देखने के लिए अपना सुझाव और कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजें। धन्यवाद।